खबर मध्य प्रदेश के कटनी जिले से है, जहां फाइनेंस बैंक में बेरोजगार युवकों के खाते खुलवाकर उनसे करोड़ों रुपए के लेनदेन के मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी दुर्गेश यादव को कटनी स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। वह ट्रेन से कहीं और भागने की फिराक में था। वहीं पुलिस ने उससे प्रारंभिक पूछताछ करते हुए कोर्ट में पेश किया और 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। वहीं बता दें कि आरोपी ने ग्राम गैतरा के लगभग 1.5 दर्जन युवकों को 700 रुपये प्रति खाता खोलने का ऑफर दिया था, जिसके तहत सभी के नए खाते खुलवाए और उनके खातों में करोड़ों रुपए का हेर फेर करता रहा। वहीं जब इसकी भनक बैंक को लगी तो बैंक ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी और गैतरा के युवाओं से संपर्क कर जानकारी ली गई। कटनी से संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे प्रकरण में मेरी व्यक्तिगत इसमें हमने सुपरविजन रखा हुआ है और इसी अनुक्रम में हमने जो मुख्य आरोपी दुर्गेश यादव, जो अब तक की विवेचना में समक्ष में आया था, जो आपको पहले भी इससे अवगत कराया गया है, उसे हमने आज सुबह धर दबोचा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर हमें ज्ञात हुआ था कि वो लड़का यहीं रेलवे स्टेशन के आसपास देखा गया है और हमने तत्काल ही अपनी टीम वहां भेज करके उसको अपने गिरफ्त में ले लिया और अभी सारी वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही है।